नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो लेकर के जो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। आज ही के दिन में मेरे पास कई कॉल्स आ चुके हैं इस सवाल को लेकर के। वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि जीपीए पर है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं जीपीए की प्रॉपर्टीज़ में या जीपीए की जीपीए से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी में आप लोगों ने ट्रांजैक्शन की है तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के यूज़फुल वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक इमीडिएटली आ सके। तो दोस्तों, बात करते हैं कि जीपीए ट्रांजैक्शंस जो हैं और इसमें जो जीपीए से प्रॉपर्टी कोई ख़रीदने वाला है यानी कि जीपीए होल्डर मुख्तियारनामा जिसके नाम पे हो रखा है, वो मुख्तियारनामा होल्डर जीपीए होल्डर आपको प्रॉपर्टी बेचना चाहता है और आप ख़रीदने वाले हैं। तो मेरे पास कॉलर्स का ये सवाल आ रहा था कि मैम, अगर हमें ये पता करना है कि ये जीपीए अब तक वैलिड है, कैंसिल नहीं हुई है, जिस व्यक्ति ने ये जीपीए करवाई थी इस जीपीए होल्डर के नाम पे जो हमें प्रॉपर्टी बेचने वाला है, उसने इस जीपीए को अब तक कैंसिल नहीं करवाया है, तो ये कैसे पता किया जा सकता है। तो दोस्तों, बहुत पुख्ता तरीका एज सच नहीं है, क्योंकि किसी भी इवन रजिस्टर्ड जीपीए को कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन जो है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के वेरीफाई नहीं कर सकता है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी नहीं निकलवा सकता है। इसको निकलवाने का हक केवल उसी के पास है या इसको वेरीफाई करने का हक केवल उसी के पास है जिसने ये जीपीए एग्जीक्यूट की थी या फिर जिसके फेवर में ये जीपीए एग्जीक्यूट की गई थी। तो फिर चेक कैसे किया जाए कि जीपीए अब तक वैलिड है और इसे कैंसिल नहीं करवाया गया है? तो दो तीन तरीके हैं दोस्तों। जो खरीदार जो हैं, जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, वो जीपीए की प्रॉपर्टी लेते वक्त थोड़े से अलर्ट हो जाएं और थोड़ी सी एहतियात बरत लें तो उनके साथ फ्रॉड होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। और जीपीए की वजह से अगर उनके साथ, उनके जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं उसमें अगर कोई दिक्कत आ सकती थी तो वो कम हो जाती हैं। तो पहली चीज़ दोस्तों की कोशिश करें कि जिस जीपीए होल्डर से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो रजिस्टर्ड जीपीए हों, क्योंकि रजिस्टर्ड जीपीए होने से एक फ़ायदा है कि जब उसकी कैंसिलेशन कराई जाएगी, जो जीपीए हुई है उसको जब कैंसिल कराया जाएगा तो वो भी रजिस्टर्ड ही होगा। रजिस्टर्ड कैंसिलेशन डीड करवानी ज़रूरी होगी अपनी की हुई जीपीए को कैंसिल करवाने के लिए। तो ऐसे में जब भी आप उस प्रॉपर्टी का सेल डीड करवाने जाएंगे थ्रू जीपीए होल्डर, तो आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पता चल जाएगा कि ये ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है और इसकी कैंसिलेशन करवाई जा चुकी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस की जनरली जो प्रोसीजर है वो यही है कि अगर जीपीए के थ्रू कोई प्रॉपर्टी बेचने आया है तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस उस जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को वेरीफाई करता है कि ये जीपीए सचमुच में है कि नहीं है, इसके पास सेल करने की, प्रॉपर्टी को सेल करने की पावर है कि नहीं है, और ये जीपीए कैंसिल तो नहीं हुई है। तो ऐसे में अगेन, अगर रजिस्टर्ड जीपीए है तो उसको वेरीफाई करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन वही अगर अनरजिस्टर्ड जीपीए है, नोटराइज्ड जीपीए है, तो उसको वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं होता, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया जाता है। नोटरी डॉक्यूमेंट्स का कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन्ड होता है कहीं पर भी, किसी भी कार्यालय में, किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उनको वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है। थर्ड पॉइंट जो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि रजिस्टर्ड अगर जीपी है, पहली चीज़ कि वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, नंबर टू पॉइंट कि उसकी रजिस्टर्ड कैंसिलेशन डीड अगर नहीं है तो मीन्स वो जीपीए स्टिल एग्जिस्टिंग है। नंबर थ्री पॉइंट पे हम आते हैं कि जो नोटरी जीपीए है या इवन इफ रजिस्टर्ड जीपीए है, अगर जिसने जीपीए एग्जीक्यूट की थी, जो एग्जीक्यूटेंट था, जो पिछला ओनर या मालिक था उस प्रॉपर्टी का, अगर वो आपकी सेल जो हो रही है, आपके नाम पे जो सेल हो रही है, उसमें अगर वो कंफर्मिंग पार्टी आ जाता है या फिर इवन एज अ विटनेस आ जाता है, तो जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो और ज़्यादा सेफ हो जाएगी। मतलब कि अगर आप मुख्तियारनामा होल्डर से या जीपीए होल्डर से, अटॉर्नी से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और जो उससे पुराना मालिक है जिसने इस व्यक्ति के नाम पे जीपीए की थी आपके सेलर के नाम पे, वो भी आपकी सेल डीड में एज कंफर्मिंग पार्टी या फिर एज अ विटनेस आता है, तो आपकी सेल डीड जो है और ज़्यादा पुख्ता हो जाती है और वो आके ये डिस्प्यूट नहीं करता
कर सकता कि वो जीपीए कैंसिल करवा चुका है या वो जीपीए अभी वैलिड नहीं है। इसके अलावा दोस्तों कई बार सेलर जो होते हैं वो कहते हैं कि हम तो ये प्रॉपर्टी ले चुके हैं और अब हम पिछले ओनर को एज कंफर्मिंग पार्टी नहीं ला सकते या विटनेस नहीं ला सकते, तो ऐसे में क्या किया जाए। ऐसे में दोस्तों नंबर 4 पॉइंट की बात करते हैं कि जो पिछला ओनर था हम उससे हलफनामा या फिर नोटरी एफिडेविट या फिर NOC ले सकते हैं कि उसने इस व्यक्ति के नाम पे, आपके सेलर के नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट की थी जो कि उसने आज दिन तक कैंसिल नहीं करवाई है, वो आज भी एग्जिस्टिंग है और वैलिड है। तो इस तरह का हलफनामा या NOC अगर हम पिछले ओनर से प्रेजेंट डेट में ले लेते हैं, जिस डेट में आपकी सेल डीड एग्जीक्यूट हो रही है, तो वो भी आपके लिए एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाता है कि आपकी जो सेल है उसको कोई अड़का नहीं सकता है, अटका नहीं सकता है, उसमें अड़चन पैदा नहीं कर सकता है। नंबर 5 पॉइंट दोस्तों, कई लोग जो ये करते हैं कि अगर किसी मालिक ने प्रेजेंटली किसी जीपीए होल्डर को, किसी अटॉर्नी को, किसी और व्यक्ति को जीपीए दे रखी है जो कि आपके नाम पे सेल डीड करने वाला है, तो सेल डीड का जो कंसिडरेशन है, जो पैसा है, लोग ओरिजिनल ओनर के नाम पे देते हैं, मालिक के नाम पे देते हैं, जीपीए होल्डर के नाम पे नहीं देते हैं। तो ये सबसे ज्यादा फूल प्रूफ और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीका है अपनी जीपीए ट्रांजैक्शन को, जो आप सेल डीड करवा रहे हैं जीपीए होल्डर के थ्रू, उसको सेफ गार्ड करने का। क्योंकि अगर आप ओरिजिनल मालिक को पैसा देंगे तो वो कभी भी नकार नहीं पाएगा कि उसने जीपीए कैंसिल करवा ली थी या ये सेल इनवैलिड है, और अगर उसने नकारा भी तो भी इन दैट केस, क्योंकि पैसा ओरिजिनल ओनर के अकाउंट में गया है जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, तो आप क्लेम कर सकते हैं अपना पैसा वापस लेने के लिए, आप क्लेम कर सकते हैं अपनी कंसिडरेशन के रिटर्न के लिए, क्योंकि आपने उन्हें पैसा दिया है उन्हीं की सेल के लिए, उन्हीं की प्रॉपर्टी के लिए। तो ये कुछ सेफगार्ड्स हैं दोस्तों जो आप कर सकते हैं जीपीए को वेरीफाई करने के लिए या चेक करने के लिए कि जिस व्यक्ति, जो जीपीए आपकी एग्जिस्टिंग है, वो अभी भी वैलिड है और आपकी सेल में कोई अड़चन ना आए। लास्ट पॉइंट दोस्तों जो आपको खास ध्यान रखना है वो ये है कि जिसने जीपीए एग्जीक्यूट की थी उसकी डेथ ना हो गई हो, उसकी मृत्यु ना हो गई हो, क्योंकि जैसे ही जीपीए एग्जीक्यूट करने वाले की मृत्यु हो जाती है, जीपीए अपने आप इनफ्रक्चर्स हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है और लीगली वैलिड नहीं रहती है, और ऐसे में जीपीए होल्डर की कोई पावर नहीं बचती है कि वो आगे सेल कर सके। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिसने जीपीए की थी वो व्यक्ति जिंदा है कि नहीं है, और इसके लिए जो भी एहतियात आप बरत सकते हैं, इसी वजह से मैंने अपने पिछले पॉइंट्स में कहा था कि आप एग्जीक्यूटेंट को विटनेस बना सकते हैं या कंफर्मिंग पार्टी बना सकते हैं अपने प्रेजेंट सेल डीड में, या फिर उससे कोई हलफनामा ले सकते हैं। तो ऐसे में ये श्योरिटी आ जाती है कि जिसने एग्जीक्यूट किया था वो अभी जिंदा है, उसकी मृत्यु नहीं हुई है, और इसकी मृत्यु होने की वजह से ये जीपीए जो है ये अभी इनवैलिड नहीं हुई है। तो ये 6 पॉइंट्स थे दोस्तों जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये जीपीए होल्डर्स के पास ट्रांसफर करने की पावर एग्जिस्टिंग है और वो आपके नाम पे सेल डीड कर सकते हैं, और ये सेल डीड अमान्य नहीं होगी, इनवैलिड नहीं होगी। अगर आप इससे रिलेटेड आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो जरूर पूछिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बत है।